और सबके सब हो गई है क्योंकि हमारे घर से सब जा रहे हैं। इनके बाल ना रास्ते में बांधे, भूत लगेगा ना तब पता चलेगा। तो आरत लगी है आज बुआ और बुआ के ना फोटो शूट हो रही वहाँ पे, सब लोग वगैरह सारे आ रहे हैं आराम से और कुछ लोग ना आगे चले गए हैं। देखो लोगों ने आरत अभी मकान के पास गई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनीता बग्गा, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन जंगलों के बीच से, हमारे खूबसूरत मंडवा के खेत से, जो कि मैं अभी आ रखी हूँ अपने मंडवा के खेत में। और मैं आज जा रही हूँ लकड़ियों के लिए क्योंकि लकड़ियाँ लानी है, और तो चलो चलती हूँ लकड़ियों के लिए और बाद में फिर बारिश होगी तो मुश्किल हो जाएगी। और आज ना आज तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है, आज स्वतंत्रता दिवस की आप हार्दिक शुभकामनाएं आप को मेरे YouTube फैमिली को मेरी तरफ से। आज का ब्लॉग ना आप लोगों के लिए वेरी फैंटास्टिक होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं आज प्रोग्राम में, तो दिखाते हैं आप लोगों को आगे आगे। और अभी मैं हाल फिर लकड़ी लेके जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को करते, लेकिन आराध्य बहुत रो रही है और जिद कर रही मेरे साथ आने की, तो चलो चलती हूँ मैं फटाफट से। तो दोस्तों हो गई हम रेडी और सबके सब हो गई है क्योंकि हमारे घर से सब जा रहे हैं और स्कूल में जा रहे हैं प्रोग्राम देखने, तो चलते हैं हम। और अभी ना कोई तैयार हो रहा है, कोई हो गए हैं, मतलब कांची तैयार हो गई है, मैं भी हो गई हूँ, सब लोग हो गए हैं, देख सकते हैं। आदु भी रेडी है, पाल रखी है, सो रखी है, देखो आदु चलेगी, कहाँ जा रही तू, देखो सब रेडी हो गए हैं, लग गए हम जाने। और आराध्या ना अपनी दादी के साथ नहीं गई, मेरे को नहीं आना है और दादी के साथ, तो आराध्या की दादी तो चली गई है और हम भी जा रहे हैं, बाबा की कांची अभी नहीं आई है, तो चलो चलते हैं। राधु राधु आजा आजा फटाफट फटाफट, उसको ना फोटो खींचने के लिए चाहिए, मतलब 24 घंटे ना फोटो खींचे उसकी कोई, तो उसे आनंद आता है, मतलब तब ना तैयार भी नहीं हुई थी पूरी, बोल रही थी फोटो खींचो पहले तब जाके तैयार होंगी मैं, ऐसी है हमारी डिम्पल बेटा। तो ये देखो इनके बाल ना रास्ते में बांधे, घर ना पूरे बाल नहीं बनाए क्योंकि अभी नहाए ना तो बाल गीले है बहुत ज्यादा, तो रास्ते रास्ते में भूत लगेगा ना तब पता चलेगा। तो आरत लगी है आज बुआ और बुआ के ना फोटो शूट हो रही वहाँ पे, तो बुआ की फोटो ही पूरी नहीं आती तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा टिश्यू, तो बहुत खराब रास्ता है। और नीति तो खैर से स्कूल गया ही है, और ये मांझा वाली मतलब कांची ना स्कूल नहीं जाती है, मतलब यहाँ से मांझा जाना क्योंकि उनका प्रोग्राम कुछ वगैरह रहता नहीं है, तो इसलिए कांची स्कूल यहीं के स्कूल में जाती है प्रोग्राम देखने, तो चलो चलती हैं, चलती हूँ है ना, तो हम भी देखते हैं आराध्या को भी नचाएंगे हम आज स्कूल में, पानी भी है यहाँ पे, हाँ पानी भी है, बहुत सारा पानी है और हाँ पानी है यहाँ पे भी पानी है, देखो सारा पानी है ना, तो सारा ही पानी, चल चल के चल, ओह मेरे को थकान हो रही, वो सब चलने में एक्सपर्ट है आराधु, लेकिन फिर भी मैं गोदी में लेके जाती हूँ, देखो दोनों आ रही पीछे से, पीछे फोटो चाहिए आगे ना, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, चलो चलते हैं स्कूल की ओर। और कोई शर्माता है यार कैमरे पे आने में, पता नहीं क्यों शर्माता है, मेरे को भी मालूम नहीं है, पर सबको शर्म लगती है पहाड़ में, पता नहीं क्यों लगती है शर्म कैमरे के सामने आने में, तो मेरे को भी ना पहले ना बहुत ज्यादा लगता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम सड़क में और हम कर रहे हैं यहाँ पे मकान का वेट, तो मकानी आ रही है, तो मकानी ने बोला मेरे को जा मतलब मेरा वेट कर, देखो दादी आओ बल, तो उनका आवाज लगा रही है मकानी और उनका जठानी को, मकानी की जठानी को दादी आओ,
आओ जल्दी कोली का डबल में है। तो देखा दोस्तों सब जा रहे हैं, मतलब बुजुर्ग लोग वगैरह सारे आ रहे हैं आराम से, और कुछ लोग ना आगे चले गए हैं, मतलब आज ना सारा गांव जा रहा है। देखो आधा हंसी आ रही सबको, देखिए यहाँ पे ना जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है क्योंकि बारिश के कारण लगी है पानी पानी। इस बार ना प्रोग्राम ना जूनियर स्कूल में हो रहा है, तो आज लेके जाऊंगी मैं आप लोगों को जूनियर स्कूल में। पहले तो बेसिंग स्कूल में हुआ करता था जब मैं, मतलब जितनी बार भी मैंने प्रोग्राम में गई हूँ, और इस बार ना जूनियर स्कूल में हो रहा, तो जूनियर स्कूल में लेके जाऊंगी आप लोगों को। तो चलो, और जूनियर स्कूल ना मतलब बुड़गुड़ से और बहुत दूर है, मतलब हमारे घर के मकान के पीछे की साइड, तो वहाँ तक जाना है क्योंकि अब घर के मकान के पीछे तो पहुँचने ही वाले हैं। चलो दिखा दें आप लोगों को आज जूनियर का स्कूल का डांस, मतलब जूनियर स्कूल का और बेसिक स्कूल का दोनों का इकट्ठा डांस है, मतलब एक ही स्कूल में होगा प्रोग्राम। तो दोस्तों ये है जूनियर स्कूल, तो चलते हैं स्कूल में, और वहाँ ना म्यूजिक चल रहे हैं, तो बाद में मिलती हूँ आप लोगों को स्कूल में जाके। तो चलो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आ रहा है अभी मकान के पास गई है। कुछ बाकी है, पूरे दान है ग्राम पंचायत वासी के लिए, इनाम की राशि छोटी हो। ये देखो मेरा आदु ना कैसे करके बिस्किट खा रही है, डांस देख रही है, डांस देखते देखते यहाँ पे छोटी छोटी खा रही है, और इसमें मिलेगी हमको नमकीन और बिस्किट। स्कूल में और मतलब कब के पहुंच गए थे और प्रोग्राम तो हो ही रहा है, तो हमको मिले हैं ये मेरे बस में पूरी है, तो इसे मिल लिए नमकीन और बिस्किट। मेरे साथ यहाँ पे दीदी भवानी तेरी जय जयकारे, बहुत तेज गर्मी, उनके लिए तो हमें जय जयकार करना ही है सबको, और उसके साथ साथ हमें। तो दोस्तों टाइम भी दिन के 1:30 बज गए हैं और कार्यक्रम भी समाप्त होने में आ गए हैं। तो देखो सब अपने अपने जगहों में भटकने लग गए घर के लिए, दोस्तों हो गया प्रोग्राम भी समाप्त, सब लोग घर जाने लगे हैं बस, और बस अब हो गया, अब बस हो गया, अब 26 जनवरी भी आएंगे फिर। रात अपनी चाची के पास गई है काजल के पास, मैं आराध अभी ना आसमान भी खराब हो चुका है, मतलब मौसम भी खराब हो चुका है, और इसमें ला रखे थे मैंने थोड़े चावल जो कि बच्चों के साथ करना पड़ता है, तो मैंने तो ला रखे हैं, बाद बाकी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं लेके जाती ही जाती हूँ। तो चलती हूँ अब घर के और, क्योंकि मैंने ना खाना बनाया है बस, लेकिन दाल में छौंका नहीं लगाया है, दाल में छौंकन भी लगाना है अभी। तो चलो, मौसम भी खराब हो चुका है, हमारे घर से सब आ रखे हैं, सिर्फ एक दादी छोड़ के, दादी गरीब है। तो देखो देखो रात को अपनी बुआ की साथ आ रही है, गंदी है आदो। आज के प्रोग्राम में ना मस्त वाला मजा आया, और मतलब ना ये डांस वाली वीडियो ना मैं इसका मैं अलग ब्लॉग करूँगी, तो अगला ब्लॉग आप लोग जरूर देखना, क्योंकि वो पार्ट टू में डालूँगी मैं, और मतलब डांस वगैरह सब, क्योंकि इसमें डालूँगी थोड़ी बहुत भाषण वगैरह, तो डांस होगा मेरे अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग ना आप लोग जरूर देखना। हम घर जाने हैं क्योंकि अभी तक हम दुकान में रहे थोड़ी बहुत, और ये देखो आज ना अपने चाचा के पास चली गई है, यहाँ पे ना कचरा पट्टी भी है। देखो नीति पानी भरने जा रखे है, और आदू के लिए भी ला रहा है, आदू को क्योंकि प्यास लग गई है, मिर्ची लग गई है ना। तो आज के डांस देखने बड़ा ही मजा आया, क्योंकि आज का डांस ना बहुत ही मस्त था, आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर से हुआ है, और वहाँ पे ना मंच भी बन गया है, और आप लोगों को उतना दिखा नहीं पाई हूँ मैं, क्योंकि ना बहुत भीड़ थी, और मतलब पूरा गांव ना उपस्थित था वहाँ पर, तो इसलिए भी मतलब जगह नहीं थी, और मैं सबसे पीछे गई, मतलब लास्ट गए हम,
तो लास्ट ही में बैठते हैं, फिर मैं लास्ट ही में बैठी और आगे जा पाया। चलो वैसे तो एक दो शॉट ले रखे हैं देवर जी के, चल देवर जी को दिया मैंने फ़ोन और देवर जी ने लिए है एक दो शॉट। और क्या क्या हुआ नीति स्कूल में, कैसा कैसा हुआ, कैसे लगा ये नारे भारत माता की जय? अच्छा कौन अच्छा, इसको पता नहीं किस चीज की याद आ। देखो चल रही थी और गोदी में आने की लगी है, तब बोली मम्मी गाड़ी आ गई। हाँ बोले तब तो निकाली की गोदी, झूठ बोली मेरी टकली, झूठ बोल रही गाड़ी आ गई। कुकुर तो कुत्ता भौंकरा और बोली कुकुर, क्योंकि हमारी भाषा में उसे कुकुरी बोलते हैं। गए हम घर में और मैंने ना दाल में छौंका लगाना है और दाल मैंने रख दी है गैस के ऊपर, और अभी ना मैं गैस ही में बनाऊंगी क्योंकि वैसे तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज बनाना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ना शाम के मतलब 3 बजने वाले हैं। अभी हमारे घर में कोई नहीं आया है, नीति और मैं और राधा आए हैं तीनों के तीनों, और वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हैं अभी, तो हमको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। और आज का दिन कैसा कैसा गया, स्वतंत्रता दिवस अमर है और क्या क्या बोला देवर जी को सारा माती है। तो ना आज ना आज का दिन ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, मतलब आज के दिन में हमारा देश आजाद हुआ था तो सबके लिए खुशी की बात होती है। तो हमारे गोल्डन में ना या ना सबके साथ जाते हैं स्कूल में, और हमारी मंदार के साइड तो पूरे जाते नहीं है, मतलब बहुत कम जाते हैं, कोई कोई जाता होगा जो सतह से वगैरह रहता है, और या ना बच्चे बुच्चे सब जाते हैं। तो हमने भी इतना है हमारा पूरा गाँव, मतलब आज ना पूरा गाँव गया था।